नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है, उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान को लेकर एक बार फिर चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अफगानिस्तान के लिए सहायता के लिए 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अफगानिस्तान के लोग मानवीय त्रासदी का सामना कर रहे हैं, वहां गरीबी बढ़ रही है और महीने के अंत तक काफी लोगों का भोजन खत्म हो सकता है। ये समय है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लाइफलाइन का विस्तार करे और वह सब कुछ करे जो कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अफगानिस्तान में तत्काल भोजन, दवा, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षित पानी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत के लिए 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने होंगे। जिनेवा सम्मेलन में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दशकों के युद्ध, पीड़ा और असुरक्षा के बाद अफगानिस्तान के लोग शायद अपने सबसे खतरनाक समय का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोग एक ही बार में देश के पतन का सामना कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आंदोलन कर रहे किसान संगठनों पर राज्य को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। सिंह ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को याद दिलाया कि ये पंजाब सरकार के समर्थन के कारण ही वे दिल्ली में हैं। इंडिया टुडे के अनुसार उन्होंने कहा कि राज्य में व्यवधान पैदा करने के बजाय किसानों को अपनी ऊर्जा केंद्र सरकार को चुनौती देने पर केंद्रित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में किसानों को रोक लिया जाता तो वे सिंघू और टिकरी सीमाओं पर नहीं पहुंच पाते। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर हमला बोला है। महुआ ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री खुलेआम सांप्रदायिक आधार पर लोगों को भड़का रहे हैं, ये भारतीय दंड संहिता की धारा 153 का उल्लंघन है। क्या कोई इस पर स्वतः संज्ञान लेगा? बता दें, योगी ने रविवार को कुशीनगर में एक जनसभा में कहा था कि आज हर गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। 2017 के पहले अब्बाजान कहने वाले गरीबों का राशन हजम कर जाते थे। योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि अब्बा के बहाने किसके वोटों का तुष्टिकरण हो रहा है बाबा? देश के 9 लाख बच्चे गंभीर तौर पर कुपोषित हैं, जिनमें से 4 लाख बच्चे सिर्फ यूपी से हैं। ग्रामीण उत्तर प्रदेश में 13,944 सब सेंटर्स की कमी है, 2,936 PHC की कमी है, 53% CHC की कमी है। केंद्र सरकार के मुताबिक बाबा राज में यूपी के PHC में सबसे कम डॉक्टर मौजूद हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर काम किए होते तो अब्बा अब्बा चिल्लाना नहीं पड़ता। तमिलनाडु विधानसभा ने सोमवार को नीट परीक्षा को रद्द करने वाला विधेयक पारित कर दिया है, जिसके बाद अब राज्य में नीट परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। नए कानून के तहत मेडिकल कॉलेजों में कक्षा 12 के अंकों के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। सदन में अन्नाद्रमुक ने विधेयक का समर्थन किया, जबकि भाजपा ने वॉकआउट किया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में नोटिस भेजा है और अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी BJP पर हमलावर हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में वो हमें IT डिपार्टमेंट, CBI, दिल्ली पुलिस से डराने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमने यहाँ पर 62 सीटें जीत ली। और अब जब हम पंजाब, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड और UP में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पीछे ED लगा दी गई है। केजरीवाल ने कहा कि BJP कभी भी अपने हथकंडों में कामयाब नहीं हो पाएगी, वो हमें और मजबूत बनाएंगे। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने सोमवार दोपहर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जैसे नेता शामिल हुए। अमित शाह ने विश्वास जताया है कि वह प्रदेश को विकास यात्रा पर आगे बढ़ाएंगे। पहली बार विधायक बनने वाले सीधे मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल ने रविवार शाम को ही राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलकर सरकार गठन का दावा पेश कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि वे पेगासस जासूसी मामले के संबंध में विस्तृत हलफनामा दायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे आतंकवादी संगठनों को यह पता चल जाएगा कि हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि क्या केंद्र सरकार पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर रहा था। इस मुद्दे पर हम राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को देखते हुए एक विशेषज्ञों के पैनल के सामने तो बहस कर सकते हैं, लेकिन हलफनामे में इसको लेकर कुछ नहीं कह सकते। सरकार की ओर से कहा गया कि हम यह हलफनामे में नहीं बता सकते हैं कि यह ए सॉफ्टवेयर के द्वारा किया गया या बी सॉफ्टवेयर के द्वारा। उन्होंने कहा कि ऐसी चीजों को बताने के अपने नुकसान हैं और इसे सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। पेगासस मामले की जांच की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि अदालत को राष्ट्रीय हित के मुद्दों के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम केवल आरोपों के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कुछ नागरिकों जैसे वकीलों आदि की जासूसी के लिए किया गया था। सीजेआई ने कहा कि हम जानना चाहते हैं क्या ऐसा करने के लिए कानून के तहत इसकी अनुमति है। पेगासस मामले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि हमने सोचा था कि सरकार इसको लेकर जवाबी हलफनामा दायर करेगी और इसके बाद हम आगे की कार्रवाई पर फैसला करेंगे, लेकिन अब एकमात्र मुद्दा जिस पर विचार किया जाना है वो है कि अब अंतरिम आदेश पारित किया जाए। सीजेआई रमना ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पेश तुषार मेहता सटीक उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमको ही अब देखने दो कि हमको क्या आदेश पारित करना है। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि हम फैसला सुरक्षित रख रहे हैं और अंतिम आदेश पारित करेंगे। आदेश पारित करने में 2-3 दिन लग सकते हैं। इसके साथ ही सीजेआई ने तुषार मेहता से कहा कि अगर आपको पुनर्विचार करना है तो आप मामले को हमारे सामने ला सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो गया है। वे कई हफ्तों से बीमार चल रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर दुख जताते हुए कहा है कि ऑस्कर फर्नांडिस जी के निधन से गहरा दुख पहुंचा है। कांग्रेस परिवार को उनके मार्गदर्शन की कमी खलेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।